सब्सक्राइब कीजिए हम शेफ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का खार। खार बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है एक कच्चा आम, एक हरी मिर्ची, नमक जरूरत के अनुसार, पानी उबालने के लिए सूखा कोलीम या झोला 1 टेबलस्पून, 1 लहसुन की कली कुटी हुई। कच्चे आम का खार बनाने के लिए हम सबसे पहले कच्चे आम को पानी में नरम होने तक बॉईल कर लेंगे। उसे निकाल कर चेक करेंगे। और उसका गूदा अलग कर लेंगे। आम का गूदा अच्छे से अलग हो गया है। आम को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, कुटी हुई लहसुन की कली डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे काटकर, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सूखे झोले को तवे पर भून लेंगे। सूखे झोले को तवे पर क्रिस्पी होने तक स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। उसे हाथ से मसल कर चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा झोला इस तरह क्रिस्पी होना चाहिए। अगर आप चाहे तो झोला स्किप भी कर सकते हैं। हमारा खार बनकर तैयार हो गया है। इसे कोकन में दाल चावल के साथ खाया जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी।